अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। यह है वो आज की आज़ादी जो औरत चाहती है। यह है असल मकसद इस औरत मार्च का, यानी क्या फ़ायदा इन लोगों के नज़दीक ऐसी खातून का जो घर में बापरदा बैठी रहे, घर में अपनी औलाद की तरबियत को अव्वलीन तरजीह दे। क्या फ़ायदा ऐसी औरत का जो घर में अपने शोहर की, वालिदैन की, अपनी औलादों की खिदमत करे। क्या फ़ायदा ऐसी औरत का जो फरमाबरदारी में वक्त गुजारे, रब की फरमाबरदारी हो, दीन की फरमाबरदारी हो, या फिर अपने शोहर की, अपने वालिद की। तरजीह यह है कि नाचा जाए सड़कों पे। ये डी चौक का मंजर है दोस्तों, और इस मर्तबा का औरत मार्च हुकूमती सतह पे शानदार अंदाज में मनाया गया। तो असल में तरजीह है नाचना गाना, असल में तरजीह है अपना तमाशा बनाना, असल में तरजीह है सर से दुपट्टा उतार के गले में डालना और गले से बिल्कुल ही पाँव में घसीटते जाना। असल इनकी तरजीह यूं नजर आता है कि यह है कि सरेआम नाचा जाए, गाया जाए, और साथ ही साथ जितना हो सके मर्दों की तजलील की जाए। चंद एक होती हैं गलत पोस्टर्स बैनर्स उठा के सभी को ख़राब करती हैं। असल में शायद विमेंस डे गैर मुस्लिम ममालिक में जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लाखों लड़कियाँ रेप होती हैं, उन ममालिक में बनाया जाता है। हमारे यहाँ तो एक वाकया पेश आ जाए, पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच जाता है। ये इंतहाई खुशाइन चीज़ है। लेकिन पूछिए ज़रा कि अमेरिका में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, यानी दुनिया के किसी भी मुल्क को ले लीजिए, वहाँ क्या चल रहा है, ख़वातीन के साथ कैसा सलूक किया जाता है। वहाँ आज़ादी मांगना, या यूँ कह लें कि वहाँ पर अपने हकूक मांगते हुए इस तरह सड़क पर निकल कर आना, ठीक है पाकिस्तान में भी निकला जाए, लेकिन ये कौन सी बेहूदगी है। पर्दा करके निकला जाए, अपने लिए हक मांगना ही है तो पर्दे का भी तो हक एक औरत का हक है, वो क्यों नहीं मांगा जाता। अपनी औलाद की तरबियत तालीम के लिए हुकूमती सतह पे इकदाम नहीं हो रहे, उन इकदाम के हवाले से सवालात क्यों नहीं उठाए जाते। मदारिस के बच्चों की पसमानदगी के ऊपर क्यों नहीं बोला जाता। ये नाचना गाना, ये बेहूदगी, ये उल्टे सीधे ड्रेसेस, ये किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप लोग बखूबी समझते हैं। सिर्फ एक ही मकसद है, बेरा रवि पर डाला जाए आपको, हम सबको, हमारी बहनों बेटियों, हमारी इज्जतों को। इसलिए मजबूत रहिए, डट के खड़े रहिए अपने दीन के साथ, अपने ईमान के साथ, अपने वालिदैन के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के तौर तरीके अपनाते रहिए। आज की वीडियो ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा, और हमारी इन बातों के मुतालिक आपका एक कमेंट इंतहाई अहम होगा, जो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ लाजमन बोलिएगा, क्या कहते हैं आप, और वीडियो शेयर कीजिए ताकि हमारी आवाज़ आप बन सके। यह सिर्फ हमारी आवाज़ नहीं है, यह आपकी भी आवाज़ हो सकती है, ये इस कौम की बहनों बेटियों की आवाज़ है। बहुत शुक्रिया आप सबका दोस्तों।